नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट श्रृंखला में रोहित शर्मा ने अभी तक गजब का प्रदर्शन करके दिखाया है। उन्होंने सभी मैचों में अपने बल्ले से अहम योगदान दिया है और भारत को शुरुआत से ही मजबूती प्रदान की है। रोहित ने अब तक इस श्रृंखला में 350 से ज़्यादा रन बनाए हैं और अगर वो 400 से ज़्यादा रनों के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो वो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों की सूची में नंबर दूसरे पे आ जाएंगे। रोहित शर्मा अब तक तीनों ही फॉर्मेट में अपना कमाल करके दिखा रहे हैं और लगातार रन बना रहे हैं। अब रोहित शर्मा के इसी फॉर्म को देखते हुए आकाश चोपड़ा ने अपना सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अब फैब फोर की जगह फैब फाइव कहना शुरू करना होगा। आपको बता दें कि फैब फोर का मतलब है फैबुलस फोर, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का नाम शामिल है। अब आकाश चोपड़ा ने इसी बात पर अपना बयान देते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि फैब फोर को अब फैब फाइव में बदलना चाहिए। अगर रोहित शर्मा का नाम इसमें नहीं है तो जल्द ही शामिल होने जा रहा है, क्योंकि सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और जिस तरह से अब वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई है। उन्हें गेंद को छोड़ना या डिफेंस करने में मज़ा आता है और शॉट खेलना उनके DNA में है, इसलिए गेंदबाजों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अब फैब फोर नहीं होगा, ये फैब फाइव होगा और रोहित शर्मा इसका हिस्सा होंगे। बता दें कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का अंतिम मौका साल 2019 में मिला, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज भेजा गया। उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और तब से वो ओपनर के तौर पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित ने अब तक बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में 27 पारियां खेली हैं और 58.48 की औसत से 1462 रन अपने नाम किए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।